हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। क्योंकि बहुत टाइम हो गया है वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल बिजी चल रहे हैं। तो मतलब मेरे को कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बिजी हैं। तो यहाँ पर देखिए, किचन से स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। तो अच्छा लगे तो लाइक में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे घर में ना पुट्टी हो रहा है, तो मतलब इतना पाउडर उसका उड़ रहा है और हवाएं इतना चल रहा है कि मतलब इतना धूल, इतना मिट्टी उड़ रहा है कि क्या ही बताए, सब रूम में आ जा रहे हैं। तो सारे डब्बे पर इतना पड़ गए थे, इतना जम गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। आज तो मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अपने घर की। वैसे भी इसको साफ करो या ना करो तो मतलब इतना गंदा हो रखा है, मतलब हर चीज़ की क्या ही बताएं। और आंगन में धूल मिट्टी है हमारे यहाँ, आप लोग को तो पता ही है। तो बस उड़ उड़ के सभी धूल गर्दे आ रहे हैं हमारे बर्तन में, डब्बे में, किचन में, हर चीज़ जगह। तो वही साफ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सब कुछ साफ कर लेती हूँ दोस्तों, क्या ही बताएं। तो यहाँ पर क्या मैं बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा आजकल मेरे को। मतलब तबीयत भी अच्छा नहीं चल रहा है मेरा भी। और यहाँ पर देखिए क्या है कि चूल्हे के ऊपर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चूल्हे का बर्नर हो गया है ख़राब, पता नहीं क्यों। और बर्नर ख़राब नहीं हुआ है, वो सभी साफ साफ है, लेकिन क्या है ना कि जहाँ से गैस लीक होता है ना, मतलब गैस पहुँचता है बर्नर के पास, वहीं पर कोई दिक्कत आ गया है। तो मतलब फ्लेम जो है एक बिल्कुल नहीं, एक में आ रहा है, एक में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हमें चूल्हे पर भी खाना बनाना पड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं क्लीनिंग कर लूँ अच्छे से। अच्छे से तो हमेशा ही किया जा करते हैं, लेकिन क्या ही करें, कभी कभी पूरा एकदम अंदर तक से मतलब हर चीज़ को अच्छे से डीप क्लीनिंग किए हैं। और क्या ही बताएं, और घर भी धोए हैं। अभी मेरे घर में काम इतना मतलब जोरों शोर से चल रहा है कि बहुत सारा धूल मिट्टी पाउडर ये वो, बहुत ज़्यादा गंदगी मच गया है। तो वही मैं थोड़ी थोड़ी करके मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारे घर में, मैं बोल रही थी वॉल टूटी हो रहा है, तो हमारा वॉल जो है टूटी हो रहा है। और आप लोग जरूर कमेंट में बताना है कि मेरा घर अच्छा लग रहा है कि नहीं। अभी तो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आधा अधूरा काम है ना। तो मतलब जो दिख रहा है वो तो अच्छा ही लग रहा है। और सामान देखिए कितना नीचे फैला हुआ है। और इधर देखिए किचन का ये जो है ना, ईंट जैसा दिख रहा है। यहाँ से किचन का नक्शा मतलब छोड़ा गया है स्पेस की, वहाँ पे किचन बनेगा। किचन अभी हमारा अभी तक नहीं बना है, पूरा घर बन गया लेकिन किचन अभी तक नहीं बना है। तो ऐसे लग रहे हैं हमारे घर। और नीचे देखिए बर्तन डब्बे बाल्टी साल्टी पड़े हुए हैं। और ये मिस्त्री है, मिस्त्री ऊपर वाले मिस्त्री हैं, आपको तो पता नहीं चल रहा होगा काम करना है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, मैं शॉर्ट डाल रही हूँ, लॉन्ग डाल रही हूँ। तो बस ऐसे ही बैठी रह रही हूँ। और किसी न किसी, मैं दिन भर में भी काम कर रही हूँ, किसी न किसी को बुलाना, दो तीन चौकी लगा करके, दो तीन तकत लगा करके, उस पर ऊपर सीलिंग हो रहा है। तो किसी न किसी को बुलाना, किसी न किसी को पकड़ के लाना कि आप थोड़ा ये कर दो वो कर दो, इसी में हमारा टाइम अरे कहूँ बाहो मिला था हो कहू तो देते नहीं खुजा हमारा कहे तो हम लोग हाँ दो नंबर दे गो गिरता है इनर है कोई ठीक बा पोखरा पकना तुल हो जा मारे लगे हो क्यों मारे लगे बोले ले जा तो होने लगे हो हां हां हमन हां कह दे गुमगली हो हमने के ले जाए जाए मगली है कहली है कि हम के ले कल कल ले है जा हैं अभी ना कल ना हां दोपहर में दिए जा मोबाइल आइकन के लिया के नहीं जाए के हां हां तीन चार को जाए जा तुर के हाथ ना ले है जा काला नमक अभी खन्ना तुल दे अभी तुल दिया जा वहाँ समा है। तो यहाँ पर देखिए सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन है, इसको मैं गरम करूँगी
यानी कि ये थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा हो जाए। मैं बताऊंगी मैं क्या करूंगी इसका। और ये देखिए थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं, ये सुनहरा लाल हो चुका है। लहसुन और अजवाइन भी थोड़ा थोड़ा क्रैक कर गया है। तो मैं यहाँ पर इनको नमक डालने पड़ गया है दोस्तों, नमक डालने में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट बा लगा दूंगी। मुसलमान मुंबई से मार सकून के सकून का तेल कल के पार्टी से दूसरा है मेरे की दुकान को सकून ये लेट देखो पिटकुली हां हल्का सा हम लेता बदनाम ये कला कुछ नहीं है एक मन बस तरह घर में मिले गोले वाला दिशा वो ही चलो मौन का कभी काट नहीं है तुलिया तो लगा के तेरे गैस का चिता है चल हवा का गर्म है गर्मी लगा हो जाएगा ये ताना गर्म लगा दे ताना गर्म नहीं कम सब के लगाई हमारा हाथ का पौधा में अभी तारा कुछ लगा दे अपन हाथ में जरा के लगाई और यहाँ पर मैं पीठ में तेल लगाना स्टार्ट कर दी हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। और इनकी पीठ में इतने दर्द हैं, इतने दर्द हैं मैं क्या ही बताऊँ। अब इस पर भी कहेंगे लोग कि आप झूठ मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, इतना दर्द नहीं हो रहा है। तो अब क्या ही बताया जाए वैसे लोगों के लिए। एक दिन भी समाचार तो करते नहीं हैं, ये चीज़ें देखने के बाद कहते हैं कि ऐसे वीडियो में बोला जाता है जैसे कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ तबीयत खराब होता है इंसान का, इंसान है ना, इंसान का तबीयत खराब होता है। आप मतलब विश्वास करो नहीं करो कोई बात नहीं, आपको तकलीफ होता है तो फटाक से फ़ोन घुमा देते हो हैं। और इनको कुछ होता है तो किसी से नहीं कहते हैं, तो अंतर होता है ना आप में और इनमें और हमारे में चाहे किसी में। तो बस यही अंतर है कि जैसी आपकी सोच वैसी आपकी बुद्धि, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पीछे पुट्टी भी हो रहा है दीवार में हमारे। अब ये सब ये देखकर भी ना जितने भी आग बबूले वाले होंगे, जैसे मतलब आग बबूला हो जा रहे होंगे, जल जा रहे होंगे, तो जल के खाक हो जा रहे होंगे अंदर से, तुम लोग जलो मरो, ठीक है ना। तो बस मैदान लगा बगा है मैदान लगा था दावा तो हरी पल्ले है जा बारह बाबा तले। और हम लोग जा रहे हैं, दवाई भी ले लेंगे और अपने बेटे से भी मिल लेंगे दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों ये मेरा वीडियो है 3-4 दिन पहले की, ठीक है। आपको आप सभी को पता है कि मैं एडिट करने में लेट हो जाती हूँ, तो आज का वीडियो नहीं है। अब लोग भ्रमित मत होइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।